गौतम बुद्ध नगर जिले के सेक्टर 63 नोएडा युवा नेता सचिन यादव प्रतिनिधि ठाकुर रघुराज सिंह अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देश का राष्ट्रीय महापर्व 15 अगस्त रक्षाबंधन जन्माष्टमी देश एवं प्रदेश एवं महानगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या होगा जी? मेरा नाम सचिन यादव है। और सर आपका ये बीजेपी में क्या पद है? जी मैं इस समय राज्य मंत्री प्रतिनिधि हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, और इंदिरा भवन लखनऊ में हमारा ऑफिस है। हमारे विभाग में श्रम विभाग आता है। हमारे विभाग में जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे लीडर हैं, माननीय ठाकुर रघुराज सिंह हैं, अलीगढ़ के जनपद। अच्छा सर, ये 15 अगस्त चल रहा है, इसमें आप 15 अगस्त और रक्षाबंधन जन्माष्टमी, इसमें अपने देशवासियों प्रदेशवासियों को और आपके गौतम बुद्ध नगर जिले के वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हम संदेश यही देना चाहेंगे, देखिए आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं, देखने के बाद जो लोग भी जानते हैं आज के टाइम में, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त में इस देश में बहुत लोगों ने बलिदान किए हैं, और चीज़ों को देखने के बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। जैसे कि आप जानते हैं सुखबीर जी हो गए हैं, और हमारे देश के बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, उन लोगों को देखते हुए प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। अब बार बार उन चीज़ों का नाम लेंगे, राजगुरु का नाम लेंगे तो भी मजेदारी नहीं है, ये है। मगर इस देश में हर युवा के अंदर जोश आना चाहिए, देश के लिए पढ़ती होना चाहिए। जिस तरीके से इस समय तिरंगा यात्रा चल रही है, इस तिरंगा यात्रा में घर घर से आदमी को और बच्चों को और लड़कों को निकलना चाहिए, ताकि इस देश का युवा जागरूक हो और जागरूक बढ़ के आगे बढ़ चढ़ के कदम मिलाकर चले, ये है। जिस तरीके से शहीद भगत सिंह जी ने अपने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, उसी तरीके से हर युवा को अपने लिए अपने मन में जोश भरना चाहिए, और मिनिमम कम से कम एक दिन तो इस देश की याद में उन शहीदों के नाम पे अपने आदमियों को, अपने जनता को, अपने लोगों को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, अपनी चीज़ों को जो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है उन शहीदों का, उन देशवासियों का, उनके लिए एक दिन कम से कम देना चाहिए।